हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ इसमें, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वीडियोस है, वीडियो कैप्चर है OBS में, और यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो में काफ़ी ब्राइटनेस है, ठीक है ना। तो आप ये कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ ये। और दूसरी चीज़ है कि कभी कभी ये वीडियो दिखाई नहीं देता है जबकि हम ऑन करते हैं, तो ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। सबसे पहली है कि मैं इस वीडियो को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं नया आपको बता सकूँ। ओके ग्रेट, तो ये वीडियो रिमूव है। नहीं, अगर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप यहाँ पे प्लस करिए और आपको यहाँ पे मिलेगा वीडियो के लिए एक ऑप्शन, वीडियो कैप्चर डिवाइस। ओके, आप यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया है ये नाम इसलिए देते हैं कि अगर दो या तीन लोग जब ऐड होते हैं ना इसमें मीटिंग वगैरह में, तो यहाँ पर नाम दे सकते हैं आप इसलिए। तो चलिए, मैं इसे ओके किया तो यहाँ पर दिख रहा है आपको काफ़ी ब्राइटनेस दिख रही है जबकि इतनी ब्राइटनेस होती नहीं है। तो इस ब्राइटनेस के लिए आप क्या कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो जैसे आपने किया इसे ओके कर दीजिए। अब ये वीडियो आ चुका है, इस वीडियो को आप जहाँ पे भी सेट करना चाहिए आप कर लीजिए, ठीक है। तो मोस्टली मैंने क्या बोला कि इस वीडियो को आप यहाँ पे कॉर्नर में रखेंगे तो ही बेटर है। अगर आप यूट्यूबर हैं और आप यूट्यूब के लिए कोई वीडियोस बना रहे हैं ना, और क्योंकि यहाँ पे नीचे तो सब्सक्राइब का बटन रहता है एक छोटा सा, आपने देखा होगा, जैसे कि मैं बता देता हूँ तो मेरे वीडियोज़ में होता है यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन। तो ये वीडियो ये दिख रहा है यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है आने वाला हूँ। पहला वीडियो में डाला था कि आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसे, वीडियो तो चलिए मैं बताता हूँ कि क्या करना। तो वीडियो रखते हैं तो आप यहाँ इस कॉर्नर में रख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये छोटी सी चीज बताई आपको। तो चलिए वापस चलता हूँ मैं OBS में। तो ये वीडियो है, लेकिन यहाँ पे लाइटिंग बहुत है, तो लाइटिंग के लिए एक अच्छा सोल्यूशन ये है कि आइधर आप जाइए और किसी लाइटिंग वाले को बुलाइए और महंगा सा इलाज कराइए उसका, है ना, और वहाँ से फोकस वगैरह आते हैं यूट्यूब के आप खरीद सकते हैं। इधर आप एक काम कर सकते हैं छोटा सा, वो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे किया है ब्राइटनेस के लिए। तो पहला ऑप्शन तो सॉफ्टवेयर में ही होता है, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये विंडो फिर से आ जाएगी, ठीक है ना। एक बार ये विंडो आ गई तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगरेशन की विंडो आती है, ये कॉन्फ़िगरेशन विंडो है, ठीक है। अब ये कॉन्फ़िगरेशन विंडो को आप यहाँ मूव कर सकते हैं आप जहाँ पे भी चाहें। तो ये मैंने यहाँ से मूव किया और इसमें आपको दिखेगा ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और आपको यहाँ पे बैलेंस भी दिखेगा। तो आप यहाँ से थोड़ी सा जैसे कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है तो आप ये इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं यहाँ से ना, जो भी आपको चाहिए थोड़ी सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं। अगर कलर अच्छे नहीं आ रहे तो आप ये बढ़ा सकते हैं कलर, ये देखिए, ठीक है ग्रेट। अब यहाँ पे आएंगे आप तो नीचे आएंगे तो ये देखिए मिरर भी कर सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि आपका जो व्यू है वीडियोज़ पे वो अगर मिरर चेंज होना चाहिए तो ये देखिए आप यहाँ से ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो छोटी सी चीज़ है, गेमिंग वाले देखिए ये भी करते हैं, क्लिप करते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ दिखाना है तो दिखा सकते हैं। अब कलर इनेबल्स क्या होता है, ये आपने देखा होगा कई वीडियोस में, उन लोगों ने शुरू में करते हैं ऐसे। तो ये देखिए ब्लैक एंड वाइट आ रहा है यहाँ पे, थोड़ी सा इंक्रीज करता हूँ वीडियो, हाँ यहाँ पे दिख भी रहा है वैसे भी। तो यहाँ पे जैसे आपको दिखेगा वो क्या करते हैं इसमें ऐसे जूम कर, ये देखिए तो यहाँ पे कलर हो गया, तो ये कलर चलेगा, कलर हो गया। तो आप इस प्रकार से ये कर सकते हैं, छोटी सी चीज़ें हैं। OBS एक फ्री सॉफ्टवेयर, इसलिए लोगों को इसका यूज़ करते हैं। अगर आप कहीं ट्रेनर्स हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो शायद ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जाएंगे तो आप इसे इसे सेव डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं आप चाहें तो, और चाहें तो आप सिर्फ इसे इंक्रीज डिक्रीज। तो ये देखिए अगर मैं डिफ़ॉल्ट में कर रहा हूँ तो ऐसा आ रहा है, इसलिए जो यहाँ पर है मैंने इसकी कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस ऐसे बढ़ा के रखी थी, तो इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ये देख रहे हैं आप ये। तो ये और दूसरी चीज़ है कि लाइटिंग के लिए क्या होता है वो भी मैं बता देती हूँ। कलर्स के लिए अगर यू नो कलर्स अच्छे नहीं आ रहे तो थोड़ी सी आप ये ठीक कर सकते हैं यहाँ से। ओके, ये मिरर कर दिया। अभी आप देखिए तो लाइटिंग के लिए मैंने क्या किया है कि ये दिख रही है आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कप है और ये सिंपल सा बल्ब एक लगा के रखा है मैंने, ये दिख रहा है ना। तो होल्डर है, ये होल्डर बाजार में मिलता है, आप खरीद सकते हैं सस्ता सा होता है, उसे ये रखा है मैंने। अब देखिए इसे मैं मूव कर सकता हूँ और ये मैंने अपनी बुक्स के ऊपर यहाँ पे रखा है। अब रखने के अलावा क्या है कि मैंने एक यहाँ पे ये देखिए कम रोशनी है, अभी ज़्यादा है, थोड़ी सी कम है और अभी ये ज़्यादा है। तो क्या है कि मैंने क्या किया है, ये देखिए ये बल्ब है, ठीक है ना, और इसके यहाँ पे यूँ रख देता हूँ ये, तो इससे क्या होता है रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, ये रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है ये है, ठीक है ना ये। तो इसके लिए एक छोटा सा सोल्यूशन है ये और ये, दोनों चीज़ें आपके पास आराम से मिल जाएगी। अब ये बुक के ऊपर यहाँ पे मैंने रखा है इसे इस प्रकार से, तो ये रिफ्लेक्शन बेटर आता है। तो जब वीडियोस बनाते हैं तो आप इंट्रैक्शन कर सकते हैं और आपकी जो भी है वो सही ढंग से आएगी। अब इसे आप इसे थोड़ी सा छोटा कर सकते हैं यहाँ से आप अपनी वीडियोस को, और जहाँ पे भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप वहाँ पे लगा सकते हैं।
तो आज के वीडियोस में मुझे बस इतनी इन्फॉर्मेशन देनी थी फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।